बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें। और इसी ने एक दुआ के साथ आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं आपको वहीं जा के बताते हैं। तो आज इतनी गर्मी है ना कि हम आपको बता नहीं सकते। तो आज हम काम भी गर्मी में ही करने जा रहे हैं। बस बैठना हमने ऊपर ठंडा के आए उस वहाँ पे, तो वहाँ से ठंडा का छाँव भी काफ़ी ज़्यादा। और जो अदनान है ना वो भी मेरे साथ तैयार हो गए हैं कि आंटी मैंने भी आपके साथ ही जाना है। इतनी ज़्यादा धूप है तो फिर भी कहते हैं कि आंटी मैंने आपके साथ जाना, रो रहा है। तो मैंने कहा चलो आप भी मज़ा ले लें जैसे दानिश और मैंने लेना है। चलो चलो आप लोग में कपड़े उठा लो, जा रहे हैं जी ट्यूल पे। तो मैंने कहा अपने व्यूअर को अपने गाँव का भी व्यू दिखा दे। तो ये हमारी भैंसें खड़ी हुई, अभी तक धूप है ना तो इसलिए हमने भैंसें नहीं बांध दी। लेकिन यहाँ पर भी अभी इन्हें धूप आ गई है तो टाइम हो चुका है, थोड़ी देर बांध देंगे इसे। हम लोग तो ट्यूल पे जा रहे हैं। तो अब मैं आ गई जी यहाँ पे ग्रेट के दरख्त लगे हों और लूचियाँ लगी हुई। तो पिछली बार हम आए थे इस पर फल कच्चा था और छोटा छोटा था, तो माशाल्लाह अब जो फल है ना वो मुकम्मल तौर पर ना इसका तैयार हो चुका है। तो खड़ा वैसे ये सबज का सबज ही है, ये ऐसे ही इसमें खड़े रहने, ये ग्रेट हैं अभी तक नहीं, छोटे हैं। इन लोगों ने इतने इतने ये हो जाते हैं जब ये ना मुकम्मल तौर पे बन जाते हैं अभी इन। और ये ना थोड़ा और भी टाइम लेंगे तो आगे आपको विज़िट करवाते हैं जी। यहाँ जी लीमू छोटे छोटे लगे हुए हैं, देखिए ये सारे ना लीमू लगे हुए, माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे ना गुच्छे बने हुए हैं। और ये जो एक दरख्त है इस साइड पर जहाँ पर सबज है ना वहाँ पर लीमू लगे हुए हैं, और जहाँ पे है ना वहाँ पे तो वैसे भी हर चीज़ खुश्क हुई पड़ी है। तो अब आगे चलते हैं जी। ये आगे भी वही लीमू है। तो ये है जी दरख्त मौसमी का, ये देखिए ये दरख्त जो है ना वो मौसमी का है। इसका जो ये वाले पत्ते हैं ना वो भी बता रहे हैं हर चीज़ के ना, एक जो दरख्त है वो मुख्तलिफ़ हैं और लीमू का और है, ये इसका और है पत्ते। तो यह है जी, मेरी हाइट बहुत छोटी है और मुझे ये देखिए सारी ये ना मौसमियाँ लगी हुई हैं, ये अभी तक ना बहुत छोटी हैं। तो माशाल्लाह ये जब बड़ी हो जाएगी ज़रूर आपसे भी शेयर करेंगे कि इन्हें कैसे तोड़ा जाता है और कैसे इनकी ना पैकिंग की जाती है। ये सारे आगे ना यही लीमू भी खड़े हैं, ये भी लीमू का दरख्त है और ये भी। तो जी ये है जी माल्टे का दरख्त, माल्टा, ये माल्टा लगा हुआ है अभी, ये फूल तरफ से ना तैयार नहीं हुआ। तो हर चीज़ इसकी तो हमने आपको विज़िट करवा दिया, फिर आगे फिर अग्रेटों की तरफ चलेंगे, उस साइड पे ना थोड़े बड़े हो गए तो हमने कहा पहले आपको लूचियों का विज़िट करवा देते हैं। तो माशाल्लाह देखे जी लूची हमारी कितनी ज़्यादा लगी है। पिछली बार हम जब आए थे ना बस इसने ना बूरा वगैरह ही बस निकाला हुआ था, तो इस बार हम आए हैं तो माशाल्लाह देखे जी, तो माशाल्लाह देखे जी कितनी ज़्यादा लूचियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए ये ऐसे लूचियाँ बनती है जैसे ये हैं। तो पिछली बार आए थे ना हम तो फल इस पर नहीं लगा हुआ था, तो अब देखिए कितना ज़्यादा लगा हुआ है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लूचियाँ है ना वो लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा इनमें ना फल लगता है। और अल्लाह इन्हें और भी फल लगाए इसे, माशाल्लाह जो लूचियाँ होती हैं ना वो बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तो अभी तक हमने उनसे पूछा नहीं है वरना आपको खा के बताते। वो जो अंकल है ना वो डेरे पर गए हैं, ये साथ ही ये ना पठानों की हर चीज़ है तो वो साथ डेरे में ना खाना खा रहे हैं तो इसीलिए। तो ये हैं जी लूचियाँ, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन पर फल लगा हुआ है। तो देखिए जी वहाँ पे ना वो लूचियाँ जो है ना वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी हैं, और इस दरख्त पे ना कुछ अभी तक ना वैसे सबज़ की सबज़ ही खड़ी हुई हैं। तो माशाल्लाह ये जो है ना वो तैयार हो गई है, ये वाली ऐसे ये ना बिल्कुल सारी रेड हो जाती हैं। तो अभी ये सारी ना नीचे वाली जो है ना वो कच्ची हैं, और जो ऊपर वाली है ना वो माशाल्लाह पक चुकी हैं, जहाँ पर ना मेरा हाथ नहीं जाता वहीं पर वो पकी हुई हैं। तो अब हम चलते हैं जी वापस ग्रेटों की तरफ, बेटा नहीं तोड़नी आज जी लूचियों से वापस। तो एक मैंने लूची वहाँ से ली है, उनसे ना पूछा है, ये नहीं कह रहा कि ईमान ने नहीं पूछा, मैंने ना उनसे पूछा है। तो अब चेक करके बताते हैं ये कैसी हैं, अभी तक ना ये फूल तरह से तैयार नहीं हुई, कुछ तैयार हो गई हैं और कुछ नहीं हुई हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है, कुछ जो है ना वो खट्टी होती हैं और ये तो मीठी है और मज़ेदार भी है। अदनान बेटा खाना है, अदनान ने मुझसे ले लेनी है लेकिन इसने जैसे मुंह में डालनी है, ये ना कैसे लेस वगैरह होती है ना वैसे ही होती है, तो इसलिए अदनान ने तो खानी नहीं, मैंने कहा इसे देते हुए नहीं है और खुद खा लेते हैं। अदनान कह रहा है कि मुझे ना जामुन तोड़ के दो,
तो अब हम आ गए हैं जी आम के पास। माशाल्लाह देखिए, पिछली बार जब आए थे ना हम, अंबियाँ लगी हुई थी छोटी छोटी, तो अब देखिए कितने बड़े बड़े आम हो चुके हैं। ये ना अभी तक ना मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हुए, ये अभी तक ना कच्चे हैं, इनकी भी उन लोगों ने तुड़ाई करनी है। जब ये ना मुकम्मल तौर पे ना तैयार हो जाएंगे, तो ये उन लोगों ने लूचियों की पैकिंग की है। ये देखें, ये सारी ना उन लोगों ने ना लूचियों की पैकिंग करके रखी हुई है। ये देखिए ऊपर से वो देते हैं, जैसे हमने आपको अमरूदों की पैकिंग दिखाई थी ना, ऊपर से देते हैं ये पत्ते वगैरह, और नीचे भी यही रखते हैं, फिर उनकी करते हैं जी पैकिंग। और जो खजूरें हैं ना वो भी लग चुकी हैं। हमने कहा आज ना अपने व्यूअर को, अपने जो भी गांव का जो बाग है ना उसकी सारी की सैर करवाएंगे, और जो खजूरें हैं ना वो भी लग चुकी हैं माशाल्लाह। तो अभी तक ने ये तैयार नहीं हुई इन लोगों ने, ये खजूरें हैं तो इन लोगों ने ना इस चीज़ ने मुकम्मल तौर पर ना ये पीली पीली हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार होती हैं ये सारी। देखिए कितना ज़्यादा फल लगा हुआ है। तो जब हमने दो तीन, हम ना 6-7 दिन बाद यहाँ पे आते हैं ट्वेल्व पे, ट्वेल्व पे नाना शाना हो या यहाँ पे ना हम चारा शारा काट लेते हैं। मकइयाँ लगी हुई ना साथ, देखे ये मकई भी खड़ी हो और बाग भी बाग में भी चारा है। बाग में से तो वो काटने नहीं देते क्योंकि ना यहाँ पे उनका फल लगा हुआ है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जब फल हम तोड़ लेंगे ना फिर आपको चारा काटने देंगे। तो अब मैं आ गई ट्वेल्व पे, अब धोते हैं कपड़े, अदरान जाना वो पहले यहाँ के बैठ गए हैं। और ये हैं जी हमारे घर के कपड़े, हम ना आज गए हुए थे जी मुरब्बे में, वरना आपको दोपहर को ही हर चीज़ का व्यू दिखाना था, और आते आते ना हमें लेट हो गया है, तो हमने कहा फिर भी आज जाके ना अपने व्यूअर से यही चीज़ शेयर करते हैं। अब तो जो कपड़े हैं ना वो मैं धो रही हूँ, इन पर ना साबुन जो है ना वो मैंने लगा लिया अच्छी तरह से। पानी जो कपड़े पहने वो बहुत ही सही पड़ता है। बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं मुझे ना, सारा गीला कर रहे हैं, इसलिए मैं पकड़ी गई। तो जो कपड़े हैं ना वो हमारे अभी तक ना अच्छी तरह से खुश्क नहीं हुए हैं, तो अब मैं इन्हें ना डालती हूँ जी बटल में। धूप भी जो है ना वो होती जा रही है जी, कम होती जा रही है ना, दिन जो है ना वो डूब रहा है सूरज जो है ना, तो इसीलिए अब हम उठाते हैं अपने कपड़े। तो इस मैंने जो कपड़े हैं ना वो डाल लेते हैं जी हम दूसरा बटल में। दानिश भाई से ना जो कपड़े हैं ना वो सही नहीं डाले गए, औरतों का जो काम होता है ना वो औरतें कर सकती हैं, और जो आदमी का काम है वो आदमी खुद कर सकते हैं। ना आदमी जो है ना वो औरतों का कर सकती हैं, ना औरतें आदमी का कर सकते हैं। तो दानिश भाई से ना कपड़े जो है नहीं सही डाले गए, मैंने कहा मैं ही सही कर देती हूँ ताकि इन्हें ना कुछ हवा फिर जाए। तो लेकिन जो सूरज है ना वो अच्छी तरह से नहीं, इतनी भाई जो धूप है ना वो नहीं निकली हुई है, तो कपड़े हम घर ही ले चलते हैं, वहीं पे जाके इन्हें डालेंगे अपने घर ही। तो अगर आज ये ना खुश हुए ना तो रात को तो ये जरूर हो जाएंगे, सुबह टाइम जाके हमारे जो कपड़े ना वो खुश हो जाएंगे। धूप जाना वो कम हो चुकी है, तो इसलिए ना ये यहाँ पे तो ये खुश्क नहीं हुआ, तो मैंने कहा घर जाके डालेंगे और वहीं पे ना ये खुश्क हो जाए। और मैंने भी नहा लिया, तो अब जो कपड़े है ना वो हम डाल लेते हैं जी बठल में सारे कपड़े। तो जो कपड़े है ना वो हमने सारे लिए, चलते हैं वापस घर की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आए, अगर आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपने बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।